दोस्तों, क्या आपकी भी नसें दबी हुई हैं? हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कुछ भारी वजन उठाने पर हाथों में दर्द होने लगता है, नसों की ब्लॉकेज, नसों के दर्द और हड्डियों में दर्द के लिए आज एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलसी की। जो देखिए, अलसी के बीज हैं उनमें ओमेगा 3 होता है, जो कि हृदय से संबंधित बीमारियों को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। और अलसी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। बहुत से बुजुर्ग देखे होंगे आपने, महिलाएं देखी होंगी और बड़े बूढ़े लोग देखे होंगे या बुजुर्ग, उनके घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियों में कमजोरी रहती है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, और सोते समय जब वो उठते हैं तो टक टक ऐसे घुटनों में होती है। तो ऐसा होता क्या है, जब वो जो घुटनों का जो लिक्विड होता है ना, तो जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे वह खत्म होने लगता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में थोड़े पोषक तत्व और कैल्शियम की कमी होने लगती है, इसलिए हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से जैसे महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी वजह से महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती हैं। तो महिलाओं को देखा होगा कि वो अपने पैरों की नसों में दर्द बताती हैं, हड्डियों में दर्द बताते हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो हड्डियों में दर्द बताते हैं। तो दोस्तों, अलसी के 3 फायदे मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अलसी को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप देखिए, अलसी के बीजों का पाउडर बना लीजिए। जैसे देखिए, जो लाल मिर्च होती है, साजी लाल मिर्च, उसको पीस कर जो लाल मिर्च का पाउडर बन जाता है, उसी तरीके से आपको अलसी के बीज ले लेने हैं। अलसी के बीज लेने पर जो पाउडर फॉर्म होगा, उसको आपको गुनगुने पानी में ऐड करते उसको पी लेना है। अगर आप रोजाना ऐसा मॉर्निंग में डेली पीते हैं, तो आपके हड्डियों का दर्द बंद हो जाएगा, दबी हुई नसों का दर्द बंद हो जाएगा, नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका अलसी लेने का, तो अलसी का तेल भी आता है। अलसी के तेल में आप अपने घुटनों पर, जहां आपकी गठिया की प्रॉब्लम है, घुटनों के ऊपर मालिश कर सकते हैं अलसी के तेल से, और अलसी का आप काढ़ा भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, पाचन तंत्र सही करने में, हड्डियों को मजबूत करने में, हृदय से संबंधित बीमारियों को कम करने में। दोस्तों, अलसी के बीजों में लिनोलिक एक एसिड होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और अलसी के अंदर ऐसे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस होते हैं, जो कि जो नसें होती हैं कमजोर हो जाती हैं, जो नसें हैं उनको सही कर देते हैं। दोस्तों, अलसी में मैग्नीशियम और कॉपर होता है, वह भी आपकी बॉडी को एक शक्ति प्रदान करता है और आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो देखिए दोस्तों, यूरिक एसिड, देखिए बहुत से लोग होते हैं उनके घुटनों में दर्द रहता है, महिलाएं होती हैं घुटनों में दर्द रहता है, आजकल तो 18 साल से ऊपर के और 24 साल से नीचे तक के भी लोगों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी, लो बीपी, उनमें भी ये फायदा करता है अलसी का बीज। अब देखिए, ये प्रॉब्लम होती क्यों है हड्डियों की, जो घुटनों में दर्द होता है, एक्चुअली यूरिक एसिड होता है। जब हमारी बॉडी यूरिक एसिड ज्यादा बनाना प्रोड्यूस कर देती है, तो उससे होता है कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, और हड्डियों में दर्द रहने लगता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अलसी के बीजों का आप काढ़ा पी सकते हैं। जैसे पानी को गुनगुना करने के लिए रख दीजिए, गैस पर पानी को उबालने के लिए रख दीजिए, उसमें आपको अलसी अलसी के बीज डाल देने हैं 2 चम्मच, और फिर उसको छान कर पानी को पी लीजिए, ठीक है। इससे आपके बॉडी में काफी दबी हुई नसें, नसों का दर्द दूर हो जाएगा। और अलसी का आप मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए, और पाउडर को भी आप दूध में ऐड करके, गर्म दूध में ऐड करके, या फिर गर्म पानी में ऐड करके उसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।